जाएंगे। पहले राजीव आपके पास आ रही, क्योंकि आज पहली अग्नि परीक्षा यहां पर चंपई सोरेन सरकार की होने वाली है, तो मैं समझना चाहूंगी आखिर ये खेल चल क्या रहा है। राजीव, चंपई सोरेन दावा कर रहे हैं बहुमत उनके पास है, फिर भी टूट का खतरा है। उधर अब बिहार से भी खबरें आ रही है कि कांग्रेस ने 16 विधायकों को बिहार से बाहर भेज दिया है और सीधा वो भी विधानसभा में उसी दिन लौटेंगे जब फ्लोर टेस्ट होगा। ये टूट की खबरें अभी भी क्या संकट टला नहीं है? यहां झारखंड में भी वही तस्वीर और उधर एनडीए जबकि बहुमत में है फिर भी कांग्रेस में टूट का खतरा, ऐसा क्यों? क्या अभी भी एक बड़ा खेला होना बाकी है केरा जी? देखिए पूजा, झारखंड में झारखंड के 3 कांग्रेस के विधायक कोलकाता में पैसे के साथ जब पकड़े गए थे तभी से ये बात चलने लगी थी कि कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा टूट करके हेमंत सोरेन सरकार से अलग हो सकता है और झारखंड में जो बहुमत सरकार को है वो खतरे में है और कांग्रेस के विधायक बड़ी संख्या में टूट सकते हैं। लेकिन उस समय वो खेल बिगड़ गया और पहले पता होने की वजह से और फिर जब हेमंत सोरेन की सदस्यता के लेके उहापोह की स्थिति बनी तो कांग्रेस और जेएमएम ने अपने विधायकों को यहाँ से रायपुर तब भेजा था, तब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। और इसी तरह इस बार भी कहीं कोई गड़बड़ी ना हो और ख़ास करके जो कमज़ोर कड़ी कांग्रेस के विधायकों को माना जाता है तो वो ऐसा ना हो, इसलिए अब चूंकि कर्नाटक वहाँ तेलंगाना में सरकार कांग्रेस की है तो उन्हें हैदराबाद यहाँ से भेजा गया। कल रात को 38 जेएमएम और कांग्रेस के विधायक चार्टर्ड प्लेन से कल देर रात वापस लौटे और उन्हें सर्किट हाउस में सुरक्षा के घेरे में ले जाया गया। ये भी अजीब लगता है देखकर, सरकार आपकी, मुख्यमंत्री आपका, और इतनी सुरक्षा के घेरे में सत्ता पक्ष के विधायक ले आए जाते हैं, सर्किट हाउस में उन्हें रोका गया, किसी से बातचीत भी नहीं करने दी। एक विधायक ने चलते चलते कहा कि हैदराबाद की बिरयानी अच्छी थी। तो सारे विधायकों को वहाँ रखा गया। हेमंत सोरेन ईडी के कार्यालय, जहां मैं हूं यहीं पर ईडी का एक कार्यालय है, वहां से हेमंत सोरेन को विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने और विश्वासमत में वोट देने के लिए ले जाया जाएगा। तो अब से थोड़ी देर के बाद 11 बजे के बाद विधानसभा का झारखंड का सत्र शुरू होगा। पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद विश्वास पत्र की बात होगी। देखिए झारखंड और बिहार की परिस्थितियां कुछ मामलों में अलग हैं। झारखंड में एक तो बहुमत का जो आंकड़ा है वो जेएमएम कांग्रेस यानी इस सत्ता पक्ष के पास बहुत मजबूती के साथ है। दूसरी बात, झारखंड में विधानसभा अध्यक्ष भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, सत्ता पक्ष का ही होता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, तो ये चीज़ें उसके फेवर में जाती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि चंपई सोरेन के, अगर बहुत बड़ा खेला हुआ ना हो कि विश्वासमत में ही कुछ उलटफेर हो जाए तो अलग बात है, लेकिन मोटे तौर पर चंपई सोरेन आज विश्वासमत हासिल कर लेंगे ऐसा दिखाई देता है और कंफर्टेबल मेजॉरिटी है। जबकि बिहार में मामला दूसरा है। बिहार में विधानसभा अध्यक्ष आरजेडी का है और सबसे पहले सत्र के पहले ही दिन विधानसभा के अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाने की कोशिश की जाएगी और उसी में सत्ता पक्ष का बहुमत और साबित भी हो जाएगा, उसी से पता चल जाएगा कि सत्ता पक्ष के साथ कितने लोग हैं। जहाँ तक बात कांग्रेस के विधायकों की है, एक बात आप जान लीजिए, लोकसभा की बात अलग है लेकिन विधानसभा के चुनाव जो 2025 में होने हैं, अब से 1-1.5 साल के बाद बिहार में, उसमें कांग्रेस के कई ऐसे विधायक हैं जिन्हें लगता है कि अगर वो सिचुअर करते हैं तो बीजेपी उनके लिए ज़्यादा मुफीद पार्टी होगी। और ये ऐसी बातें बातचीत में लोग कहते हैं, विधानसभा चुनाव में उनके लिए ज़्यादा आसानी होगी, इसीलिए कांग्रेस के विधायकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने का खतरा हमेशा बना रहता है और इसीलिए बिहार के विधायकों को, जबकि वहाँ विपक्ष में है, वहाँ बहुमत साबित नहीं करना है, बावजूद इसके कि कांग्रेस के विधायकों में टूट ना हो जाए, कांग्रेस ने अपने विधायकों को हैदराबाद, बिहार के विधायकों को हैदराबाद भेजने का फैसला किया। ठीक है।